पिछले पाठ में हम पढ़े थे कि गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी करते थे। 35 साल नौकरी के बाद वे रिटायर हो चुके हैं। तो 35 साल बाद वे अपने परिवार वालों के साथ रहने वाले हैं, तो इस बात की उन्हें खुशी है कि अब वे हमेशा के लिए अपने परिवार वालों के साथ रहेंगे। उनके 4 संतान थे, तो उनके संतान और पत्नी जो है वे कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे, क्योंकि हमेशा इनका ट्रांसफ़र होता था। या रानूपुर जहाँ रहते थे वो छोटा सा इलाका था, गांव जैसा था, तो वे सोचते हैं कि बार बार बच्चों की भी काफ़ी दिक्कत होती है, तो शहर में रहना ही बेहतर होगा। तो इसीलिए उनकी पढ़ाई के लिए उनकी पत्नी जो है बच्चों को लेकर शहर में रहा करती थी। अब देखो, गजाधर बाबू के नौकर का नाम क्या था? गणेशी था। वे स्टेशन पर छोड़ने आते हैं। यहाँ तक जब घर खाली हो जाता है तो काफ़ी कुरूप हो जाता है। बगीचे में जितने भी पौधे थे आस पड़ोस के लोग उखाड़ कर लेकर जाते हैं। घर बहुत ही भद्दा लग रहा था, मगर इसके बावजूद उन्हें इस बात की खुशी थी कि वे परिवार वालों से मिलने जा रहे। कई साल, मतलब यहाँ पर देखो, जब छुट्टियों में परिवार आया करते थे, उनके साथ खेलते थे, मौज मस्ती करते थे, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ हंसी विनोद करते थे, तो ये सब बातें उन्हें हमेशा याद आता था। और वे इसी दिन का इंतज़ार करते थे कि कब वे रिटायर होंगे और फिर वे अपने परिवार वालों के साथ रह सकेंगे। तो ऐसा दिन भी आया और इसीलिए वे एक तरफ से खुश भी हैं कि चलो भाई, अब वे परिवार वालों से मिल लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 66 खोलोगे। टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी। घर पहुंचते हैं, फिर क्या करते हैं? टोपी उतार कर चारपाई पर रखते हैं, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रह कर कह कहो की आवाज आ रही थी। तो वे घर के अंदर देखते हैं, काफी आवाज आ रही थी, बच्चों के बातों की आवाज आ रही थी, हंस रहे थे। इतवार का दिन था, रविवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि उनके जो बच्चे हैं वे सब इकट्ठे बैठकर क्या कर रहे हैं? नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू ने के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उनके चेहरे पर क्या आ गई? मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर आए। अब बच्चे खेल रहे थे तो वे सोचे चलो भाई, बच्चों के बीच बैठ जाते तो बहुत मज़ा आएगा और हंसी मजाक भी देखने को मिल जाएगा। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था। तो नरेंद्र क्या कर रहा था? वो मतलब उन्होंने जो टीवी में प्रोग्राम देखा था तो उसी का नकल उतार रहा था। नरेंद्र छोटा बेटा है और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। बसंती उनकी छोटी बेटी है जो कॉलेज में पढ़ती है। वह तो भैया को इस प्रकार नाचते हुए देखकर हंसी से लोटपोट हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश ना था और उसकी नरेंद्र की जो पत्नी है, रमेश की जो पत्नी है, वह तो एकदम से हंसते हुए लुढ़क पड़ रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया। यहाँ पे नरेंद्र बैठ जाता है, एकदम चुप हो जाता है, प्याला भी मुंह में लगाया। बहू को होश आया और उसने झट क्या है और उसने झट माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। सिर्फ बसंती जो है हंसती ही जा रही थी तब भी भैया के उस नृत्य को देखकर। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? अब फिर पूछा बच्चे से, भाई नरेंद्र किसकी नकल कर रहे हो, क्या हो रहा था? बस वो बोलता है, कुछ नहीं बाबू जी। नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा, बस इतना ही कहा कि कुछ नहीं हो रहा था। अब गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते। वे भी चाहते थे कि बच्चों के हंसी विनोद में वे भाग ले, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। पर क्या हुआ, उनके आते ही सबके सब एकदम से चुप हो जाते हैं, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उससे उनके मन की पीड़ा सी खिन्नता उत्पन्न आई उपज आई।
तो उनके मन में जो थोड़ी सी पीड़ा थी, दर्द थी, वह उपजा थे। क्या है, बच्चों के साथ मैं हंसी मजाक करना चाहता हूँ, इनके साथ शामिल होना चाहता हूँ, पर मेरे आने से सबके सब एकदम से चुप हो गए। बैठते हुए बोले, बसंती चाय मुझे भी देना। तो पिताजी चाय मांगते हैं। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? तो मम्मी की अभी भी पूजा कर रही है। बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, अभी आती ही होंगी, कहा माँ आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। वह चुपचाप पहले ही चली गई थी। बहू जो है वो तो पहले ही घर छोड़कर, मतलब वहाँ से चली गई थी जहाँ पर लोग मजाक कर रहे थे। अब नरेंद्र जो है भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। नरेंद्र भी चाय पीता है और फिर वहाँ से उठ खड़ा होता है। केवल बसंती जो है पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। तो बैठी थी कि कब माँ आएगी, तो माँ के आते ही मैं भी उठ जाऊंगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी ली, फिर कहा, बिट्टी चाय तो फीकी है। बिल्कुल चाय फीकी थी, इतना मलाई वाला चाय पिया करता था, पर बिट्टी ने जो चाय दी वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। लाइए चीनी और डाल दो, बसंती बोली। रहने दो, तुम्हारे अम्मा जब आएगी तब पी लूंगा। तो कहती है कि रहने दो, जैसा है अम्मा आएगी तो तब दोबारा पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ के अर्धे का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया। तुलसी मंच में पानी डालती है। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने जाकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, आप अकेले क्यों बैठे हैं, ये सब कहाँ गए, बच्चे सब के सब कहाँ गए। गजाधर बाबू के मन में फांसी करक उठी, अपने अपने काम में लग गए हैं। तो पिताजी और क्या बोले, आखिर बच्चे हैं, सब क्या है, अपने अपने काम में लग गए हैं, कहीं नहीं गए, बल्कि क्या है, वे सब अपने काम में लग गए हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। पत्नी क्या करती है, किचन में घुसती है। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा। वे क्या करते हैं, झूठे जो चारों तरफ बर्तन थे उनको देखते हैं। फिर कहा, सारे झूठे बर्तन पड़े, सब क्या करते, खाते हैं और बर्तन वहीं पर रख डालते हैं। इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं। पूजा करके सीधे चौक में घुसी। पूजा पाठ करके वो किचन में घुसती है। फिर उन्होंने नौकर को बुलाया। फिर नौकर जो है उसको बुलाती है। जब उत्तर ना मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। तो नौकर को बुलाने के बावजूद क्या है, कोई उत्तर नहीं मिलता। तो सोचती है शायद बहू ने नौकर को बाजार भेजा होगा, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। और फिर क्या है, वह चुप हो जाती और कुछ उत्तर नहीं देती, क्योंकि उसे मालूम है अब घर का सारा काम उसी को करना है। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 4 में समझाऊंगी। धन्यवाद।